फाइनली हमने इसमें एक्सल जो है फिट कर दिया गाड़ी में, और ये फिटिंग चालू हो रही है हमारी गाड़ी की। और ये देखिए, ये अपना मैकेनिक, ये मैकेनिक भाई है, ये एक्सल। हेलो फ्रेंड्स, इस कार का एक्सल टूट गया है रास्ते में चलती हुई गाड़ी का, और जिसके कारण ये रनिंग नहीं कर पा रही, गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे रोड पे ही जाके इसका एक्सल टूटा, तो मैंने गाड़ी को साइड में लगा लिया है। साइड में लगा के अब इसको खोल रहे हैं, हम खोल लेते हैं। वैसे तो 100% एक्सल ही टूटा, क्योंकि गाड़ी आगे चल नहीं रही, स्टार्ट हो रही, गियर लग रहे हैं। खोल के चेक करते हैं एक्सल आखिर टूटा कहाँ से है। टूट गया ना, एक्सल भी टूट चुका है इसका। फ्रेंड, इसको खोलने का प्रोसेस चालू है, रोड पे ही हमने गाड़ी को खोल लिया है। पहले फ्रेंड्स हमें इसका चिमटे का जो बोल्ट है ना, वो खोल लेना है, आर्म का बोल्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये आर्म का बोल्ट यहाँ से, नीचे वाला आर्म का बोल्ट यहाँ से खोल चुके हैं, और अब हमें ये खोलना है मेन एक्सल वाला बोल्ट, जो नट होता है, एक्सल का नट होता है। बहुत ही ज़्यादा टाइट है, खोलने में बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। अगर ये लूज रहता तो भी दिक्कत आती है। अभी खुल गया फ्रेंड्स, खोल दिए, कोई बात नहीं। इसको खोल के एक्सल का जो मेन काम होता है एक्सल का, वो होता है गाड़ी को चलाना। हम गाड़ी का गियर शिफ्टिंग करते हैं तो मेन एक्सल जो काम करता है, ये एक्सल काम करता है, ये गाड़ी को आगे चलाता है, इन टायरों को, पहिए को घुमाता है। अगर ये टूट जाएगा तो फिर गाड़ी आगे मूव नहीं करेगी। तो खोल के आपको दिखाते हैं, और इसके लिए क्या क्या खोलना पड़ता है। एक ये बोल्ट खोलना पड़ता है, हमें टायर खोलना पड़ता है, और एक हमें ये आइटम खोलना पड़ता है, इसका आर्म की आर्म खोलना पड़ता है, गोली की साइड से हमें आर्म खोलना पड़ता है, और एक्सल आराम से बाहर आ जाता है। अगर फ्रेंड्स आपकी गाड़ी में अगर एक्सल की नॉइस आती है, लेफ्ट राइट काटने पे कट 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 की नॉइस आए, तो आप उसको पहले ही मैकेनिक को चेक करा लो, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब ये देखो रास्ते में गाड़ी खड़ी हो गई, कितनी दिक्कत होती है। अब हमें इसको ये रोड को लगाना है, और ऐसे इसको नीचे करना है, ताकि जो आराम से खुल जाए। और हैमर मार भाई, हैमर मार, आराम से खुल जाएगा। ये हमारे एक्सल वाले भाई साहब आ गए हैं, और अब जल्दी काम हो जाएगा हमारी गाड़ी का। ये बेस वाली है, आराम से, आराम से। अब ये खोल लिया है, कितने गोपाल एबीएस निकाल लो, कब दो अब इसको। एक्सल को हमने बाहर निकाल लिया है। ये फ्रेंड्स, ये एक्सल जो टूट गया है, ये निकाल लिया, ये टूट गया एक्सल। अब ये एक्सल टूट गया है, इसके आगे गाड़ी क्या वर्क करेगी। ये हिस्सा होता है इसका जो टूटा है, ये वाला हिस्सा जो हिल रही है, और ये एक्सल हम फ्रेंड्स दूसरा लाए हैं। इसमें रिपेयर एक्सल भी चल जाता है, जो हम रिपेयर हो जाता है, और ये एक्सल डालेंगे फ्रेंड्स इसमें। ये एबीएस वाला एक्सल है, क्योंकि ये वाली जो गरारी होती है हमें निकालनी पड़ती है, फिर दूसरे में लगानी पड़ती है, नहीं तो एबीएस काम नहीं करेगा। अगर ये नहीं लगाएंगे हम पॉइंट, इसको हमें हैमर से ठोक के लगाना होता है, जो इसके ऊपर लगा हुआ था, ये पुराने एक्सल के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ था फ्रेंड्स। तो अब इसमें हमने फिट कर दिया, इसमें ये काम करेगा इसका एबीएस। एबीएस का मुख्य कारण ये होता है, जो हम गाड़ी में ब्रेक कर मारते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो गाड़ी हमारी स्कर्ट नहीं करती, फिसलती नहीं है गाड़ी, और प्रॉपर रुक जाती है एक जगह पर, जो ये एबीएस का सिस्टम होता है। एक्सल हमने बाहर निकाल लिया फ्रेंड्स, बाहर निकाल लिया, और एयर ऑयल निकाल लिया। कहाँ है इसका, फिट कर देते। मार, अभी बैठा नहीं है, मार 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 बैठ। तो इसमें एक्सल फ्रेंड हमने फिट कर दिया, और अब जो गाड़ी है मूवमेंट करने लग जाएगी, चलने लग जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट्स होता है जो एक्सल का, जो निकल गया, ये निकल, ये निकल गया, ये यहाँ से टूटा है। इसका जो खाँचा होता है, ये यहाँ से खराब हो गया, इसको फिट कर देते हैं गाड़ी को। फाइनली हमने इसमें एक्सल जो है फिट कर दिया गाड़ी में, और ये फिटिंग चालू हो रही है हमारी गाड़ी की। और ये देखिए, ये अपना मैकेनिक, ये मैकेनिक भाई हैं, ये एक्सल वाले भाई हैं, जिन्होंने फिट करा है, लेके आए एक्सल। और रास्ते में हमारी गाड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी,
हम जा नहीं पा रहे थे, आगे पीछे कर नहीं पा रहे थे, कस्टमर भी बहुत परेशान था। और गाड़ी अब फिट हो चुकी है, अब एक्सल जो टूटा हुआ था ये है एक्सल जो हमने चेंज कर दिया है, ये वाला पीस है जो टूट चुका था तो ये वाला हमने लगा दिया है, इसमें दूसरा एक्सल फिट कर दिया और गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। अब चला के देखनी है हमें गाड़ी, ओके हो गया काम हमारी गाड़ी फिट हो चुकी है, एक्सल हमने लगा दिया है और बोल्ट टाइट करने बाकी हैं। अब इसको करके हम गाड़ी की ट्राई लेने वाले हैं, गाड़ी ओके हो चुकी है, अब ट्राई लेके देख लेते हैं एक बार। वैसे और कोई दिक्कत नहीं, एक्सल ही टूटा हुआ था इस गाड़ी में, और कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। फ्रेंड्स फिट कर दिया एक्सल, अब गाड़ी की ट्राई ली जा रही है, ट्राई लेने के बाद देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। मैकेनिक साहब हमारे लेके निकल चुके हैं गाड़ी को। तो फ्रेंड्स गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी ओके हो गई है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अब ओके है ना, चलो ठीक है, ओके हो चुकी है हमारी गाड़ी। अब ये जो एक्सल टूटा था, तो अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलेंगे, तब तक के लिए सब भाइयों को राम राम।